तूने मांगा यूपी गोरी, नाम तेरे ब्रह्मांड कर दिया, कांड कर दिया, कांड तो कर ही दिया है सलमान खान ने। यस वेल, हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति नाहक। फाइनली धमाकेदार कांड, आई मीन मुन्ना बदनाम ट्रैक रिलीज हो गया है फाइनली दबंग 3 से, वो भी ऑडियो ट्रैक आउट हो चुका है। जी हाँ, जिस तरह का धमाकेदार सॉन्ग है ये, मतलब मैं सुपर डुपर एक्साइटेड थी। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे मुन्ना बदनाम सॉन्ग के लिए ही था, क्योंकि ऑफकोर्स सलमान खान एज एन आइटम बॉय नजर आने वाले हैं धमाकेदार डांस वांस करते हुए। और जब सलमान नाचते हैं, हम सभी जानते हैं कि सलमान कितना अपने फुल ऑन स्वैग वाले अंदाज में अपना ही कुछ करके नाचते हैं सलमान खान। और ऊपर से जब उसमें हमें आवाज़ सुनने को मिले और रैप सुनने को मिले बादशाह का, तो यानी कि उस गाने पर 4 चांद लग चुके हैं। जी हाँ, धमाकेदार गाना है, ऑडियो ट्रैक रिलीज हुआ है, पर वीडियो के लिए अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, वीडियो देखना ही देखना हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि फटाक से वीडियो आ जाए। लेकिन डेफिनेटली कमाल खान की आवाज़ है, ममता शर्मा की आवाज़ है इस गाने में। और जो बेस लाइन है, मुन्ना बदनाम हुआ, यानी कि मुन्नी बदनाम हुई, बेस लाइन जो है गाने का उसको एज इट इज रखा गया है। लेकिन उससे पहले का जितना ट्रैक है वो सब बहुत अच्छे से मॉडिफाई किया गया है, जहां पर बादशाह की आवाज़ को, कमाल खान की आवाज़ को और ममता शर्मा, इन तीनों की ही आवाज़ को बड़ी ही प्यारी तरीके से जुगलबंदी की गई है। और भाई, इसका वीडियो देखने लायक होगा, इतना मैं कह सकती हूँ। वेल, एक बात और कहना चाहूंगी, जितने गाने अभी तक आए हैं उन सभी में से ये गाना सबसे ज्यादा चार्टबस्टर हिट होने वाला है। प्रॉपर डांसिंग नंबर है ये मुन्ना बदनाम हुआ। और पांडे जी, यानी कि चुलबुल पांडे के जो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितना वो मस्ती खोर है, ऑनेस्ट है, वो सारी चीज़ें इस गाने में आपको सुन के ही फील हो जाएंगी। तो देखना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। कितना पसंद आया ये गाना कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ। सलमान खान का शो बिग बॉस 13 काफी पॉपुलर है और पिछले 10 सालों से इस शो को होस्ट करके भाईजान ने इसकी पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ा दिया है। इतना कि इस कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो का वीकेंड का वार सेगमेंट पर हर कोई सेलिब्रिटी अपनी फिल्म को प्रमोट करना चाहता है। इस बार बिग बॉस 13 के वीकेंड का वार सेगमेंट में आई आगामी फिल्म मरजावा की टीम। बीते दिनों इस टीम ने कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के द कपिल शर्मा शो पर भी अपनी फिल्म को प्रमोट किया था। और अब सलमान खान के साथ बिग बॉस के मंच पर अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए सभी ने बेहद इंजॉय भी किया। इनफैक्ट शो के दौरान सलमान खान ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख को दिया एक फन टास्क, जहां एक को पानी पूरी खाते हुए गाना गाना है और दूसरे को ये गाना गेस करना है। नतीजा, पानी पूरी से ज्यादा स्वादिष्ट कॉमेडी का तड़का, जिसे देखकर हम सब भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। शो के दौरान सभी ने खूब इंजॉय तो किया, मगर साथ ही अपनी फिल्म को भी जमकर प्रमोट भी किया। और सलमान खान के सपोर्ट से हम सबको यकीन है कि 22 नवंबर को रिलीज होने वाली ये वायलेंट ड्रामेटिक लव स्टोरी सुपर डुपर हिट होगी, है ना? तो आपको बिग बॉस 13 में मरजावा टीम का प्रमोशनल एपिसोड कैसा लगा, हमें बताना ना भूलें। हाल ही में मच अवेटेड अयोध्या का जब वर्डिक्ट आया, ऑफ कोर्स सारा देश इस बात से सहमत हो गया और साथ ही साथ काफी लोग इस बात से खुश भी थे कि राम और रहीम दोनों को ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी सलमान खान, यानी कि ऑफ कोर्स भाईजान सलमान के पिता, यानी कि सलीम खान सर, उन्होंने हाल ही में इस बात को जाहिर किया कि सबसे पहले तो उन्होंने शुक्रिया किया पूरी आवाम का कि थैंकफुली किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया, हर कोई खुश था अयोध्या के वर्डिक्ट से। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम हैं, जो मुसलमान हैं, उन्हें मस्जिद नहीं चाहिए, उन्हें नमाज पढ़नी होती है, जिसको भी वो ट्रेन में, प्लेन में या फिर एक सादी सी चटाई डालकर जमीन पर भी नमाज पढ़ सकता है। नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिल में नियत होनी चाहिए। लेकिन बल्कि मुसलमान को चाहिए कि देश तरक्की करे, वो तरक्की करे, इंसानियत तरक्की करे, हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे, और उस चीज़ के लिए वहाँ पर या तो हॉस्पिटल बने या फिर स्कूल्स बने, वहाँ पर शिक्षा दी जाए। इस तरह की इतनी नेक बात की है सलमान खान के फादर ऑफ कोर्स सलीम खान साहब ने। उन्होंने अयोध्या पर अपनी इस बात को रखा और साथ ही साथ ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो और ज़्यादा तरक्की करे, वो हर कोई, हिंदू मुस्लिम हर कोई तरक्की करे। तो मस्जिद बनाने से फ़ायदा नहीं, फ़ायदा होगा जब वहाँ पर शिक्षा मिले लोगों को, वो जो ज़मीन अलॉट की गई है उससे बेहतर वहाँ स्कूल बनाया जाए और लोगों को शिक्षा मिले वहाँ पर। इस बात पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज़ अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ।
1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो हर किसी ने कपिल देव को डेफिनेटली कह दिया था ही इज दी कैप्टन ऑफ इंडिया, जिन्होंने इंडिया को पहली बार वर्ल्ड कप जिताया। अब वो मोमेंट रिक्रिएट ऑफ कोर्स हो रहा है, ये हम सभी जानते हैं, और रणवीर सिंह नजर आने वाले हैं एज कपिल देव इन हिज बायोपिक कपिल देव में, जिस फिल्म का नाम है 83। और डेफिनेटली फिल्म के लिए एक्साइटमेंट तो पहले से ही थी क्योंकि ऑफकोर्स वर्ल्ड कप पर बेस्ड है, 83 वर्ल्ड कप पर बेस्ड है, और साथ ही साथ कपिल देव की बायोपिक है, और उसके साथ साथ ऑफकोर्स कबीर खान डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को, साथ ही साथ रणवीर सिंह नजर आने वाले हैं। लेकिन जब हमने पहला लुक देखा रणवीर सिंह का एज कपिल देव, वी वर शॉक्ड। आजकल बॉलीवुड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक हो गया है लुक्स के मामले में भी, बिकॉज जब भी आप बायोपिक्स में लोगों को देखते हो तो इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक द पर्सन जिस पर बायोपिक बनी हुई है। चाहे मैं संजू की बात करूँ, चाहे मैं छपाक की बात करूँ जिसमें दीपिका पादुकोण नजर आने वाली है एज एन एसिड सर्वाइवर विक्टिम। उसके बाद इस फिल्म का क्रेज और भी ज्यादा इसलिए बढ़ गया था क्योंकि दीपिका पादुकोण इसमें नजर आने वाली है एज रणवीर सिंह वाइफ ऑफकोर्स। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बज है, और हाल ही में एक फोटो जो आई है रणवीर सिंह की, जहाँ पर आप देख सकते हैं रणवीर सिंह को छक्का लगाते हुए, और रणवीर सिंह एग्जैक्टली इज लुकिंग लाइक कपिल देव। सो डेफिनेटली फिल्म बहुत 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 ज़्यादा इंस्पिरेशनल होने वाली है बहुत लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होने वाली है, बिकॉज वो मोमेंट हमें दोबारा जीने को मिलेगा। और साथ ही साथ कपिल देव का जो लुक है वो खूब खूब कॉपी किया है यू नो रणवीर सिंह ने, तो और भी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है रोल की तरफ। आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है कपिल देव के लिए, दीपिका और रणवीर को एक साथ देखने के लिए? फिल्म आ रही है 10 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए एक्साइटमेंट लेवल कितना है। एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। दिस इज ज्योतिना हक साइनिंग ऑफ। कंग्रेचुलेशन हिंदुस्तान के लोगों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, तो मुबारकबाद देना चाहूंगी मोदी जी को एंड हिंदुस्तान को कि सब ने मिलकर जो अयोध्या का जो वर्डिक्ट है उसका सम्मान किया, कोर्ट का सम्मान किया, सरकार का सम्मान किया। इसी तरह अगर हिंदू मुस्लिम सभी लोग, क्रिश्चियन सभी जाति के लोग अगर मिलजुल के एकता में रहे तो हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ जाएगा। हर कंट्रीज में हमारा हिंदुस्तान का नाम ही आगे होगा। आई रियली प्राउड ऑफ मोदी जी एंड मुस्लिम भाई बहनों सभी लोगों का, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एंड रियली रियली आई रियली प्राउड ऑफ माई इंडिया, आई रियली प्राउड ऑफ मोदी जी के उन्होंने आखिर में ये वर्डिक्ट हो गया और सब मुसलमान लोग शांत रहे, हिंदू लोग शांत रहे और सम्मान किया देश का। रियली कंग्रेचुलेशन हिंदुस्तान के लोगों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, तो मुबारकबाद देना चाहूंगी मोदी जी को एंड हिंदुस्तान को कि सब ने मिलकर जो अयोध्या का जो वर्डिक्ट है उसका सम्मान किया, कोर्ट का सम्मान किया, सरकार का सम्मान किया। इसी तरह अगर हिंदू मुस्लिम सभी लोग, क्रिश्चियन सभी जाति के लोग अगर मिलजुल के एकता में रहे तो हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ जाएगा। हर कंट्रीज में हमारा हिंदुस्तान का नाम ही आगे होगा। आई रियली प्राउड ऑफ मोदी जी एंड मुस्लिम भाई बहनों सभी लोगों का, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एंड रियली रियली आई रियली प्राउड ऑफ माई इंडिया, आई रियली प्राउड ऑफ मोदी जी के उन्होंने आखिर में ये वर्डिक्ट हो गया और सब मुसलमान लोग शांत रहे, हिंदू लोग शांत रहे और सम्मान किया देश का। रियली सलमान कटरीना जब एक साथ नजर आते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ ट्रीट टू वॉच देम। जब भी वो दोनों एक साथ या तो ऑन स्क्रीन होते हैं या फिर ऑफ स्क्रीन होते हैं या जब स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। हाल ही में द बैंग टूर, जो कि दुबई में ऑफकोर्स द बैंग टूर हो रहा है, वहां पर सलमान कटरीना का धमाकेदार रोमांटिक परफॉर्मेंस देखने को मिला। जब भी सलमान कटरीना ऑन स्क्रीन, यू नो वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग पेयर्स ऑफ बॉलीवुड रादर, जब भी फिल्म में साथ में नजर आते हैं या स्टेज परफॉर्मेंस साथ में कर रहे होते हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और जिस तरीके सलमान खान कटरीना कैफ को पैम्पर करते हैं वो देखना और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। सलमान हमेशा से काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव रहे हैं कटरीना को लेकर, ये चीज साफ जाहिर होती है। और अगर मैं बात करूं तो यू नो कटरीना कैफ जिस तरीके से सलमान के साथ कंफर्टेबल है ऑन स्क्रीन, उतनी शायद वो किसी एक्टर के साथ नहीं। ऑफकोर्स अक्षय कुमार तो है ही, शाहरुख खान है ही। द बैंग टूर जो कि हाल ही में दुबई में हो रहा है, वहां पर परफॉर्मेंस के दौरान दिल दिया गल्ला सॉन्ग पर, जो कि ऑफकोर्स टाइगर जिंदा है सॉन्ग, टाइगर जिंदा है फिल्म से ये गाना है दिल दिया गल्ला, वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक ट्रैक्स ऑफ यू नो
दैट ईयर और इस गाने पर डांस करते हुए नजर आए दोनों, यानी कि सलमान और कैटरीना। बड़ा ही रोमांटिक अंदाज नजर आया दोनों का। दोनों को देखकर मैं बहुत ज्यादा उन दोनों को देखकर ऐसे हैप्पी वाइब्स आती है यार, आप लोगों को आती है कि नहीं आती है? बहुत ज्यादा हैप्पी वाइब्स आती है, बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं दोनों। कब ये दोनों साथ में आएंगे या फिर आएंगे भी या नहीं आएंगे एज अ कपल, आई एम जस्ट वेटिंग कि कैटरीना जो है वो सबकी भाभी बन जाए, नेशनल भाभी बन जाए। बट आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस और साथ ही साथ सलमान कैटरीना की जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहा, साइनिंग ऑफ।